लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक नजर आए। अनुपूरक बजट पर बोलते हुए सीएम योगी ने एक साथ सपा और पार्टी के भीतर के विरोधियों को सीधा संदेश दिया। उन्होंने भाषण के दौरान योगी ने कहा कि मैं यहां पर कोई नौकरी करने नहीं आया हूं और ना ही प्रतिष्ठा पाने आया हूं, ये सब मुझे मठ में ही मिल जाता। उन्होंने आगे कहा कि मेरे शासन में जो करेगा वो भुगतेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी। जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त तो करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं? हमारी सरकार में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कार्रवाई होगी। योगी ने अपने भाषण में गोमती नगर में छेड़छाड़ और अयोध्या रेप केस की घटना का जिक्र किया। गोमती नगर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक जो दो अपराधी पकड़े गए हैं उनमें एक पवन यादव और दूसरा अरबाज खान है, दोनों सद्भावना वाले लोग हैं, इन पर अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कार्रवाई होगी। लखनऊ के गोमती नगर में बुधवार को बारिश के दौरान एक महिला के साथ कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की थी। इसका वीडियो आने के बाद से ही सरकार निशाने पर थी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे मामले में दो लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। योगी ने आगे कहा कि अयोध्या रेप केस का भी जिक्र जरूरी है। अयोध्या में एक मोमिन खान नामक व्यक्ति ने 12 वर्षीय नाबालिग से रेप किया। आरोपी समाजवादी पार्टी का सदस्य है और सांसद की टीम में काम करता है। सपा उस आरोपी पर अब तक कार्रवाई नहीं की है। विधानसभा में योगी ने कहा कि मैं किसी की नौकरी करने नहीं आया हूँ और ना ही मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा मुझे मठ में ही मिल जाती, लेकिन मैं मुख्यमंत्री बना हूँ और जो गलत करेगा वो भुगतेगा। योगी के इस बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे सियासी गतिरोध के बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर हैं। इसकी दो वजह बताई जा रही थी। पहली वजह, पार्टी के भीतर ही योगी को आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी वजह, लोकसभा में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद सपा उन पर लगातार हमलावर थी, लेकिन विधानसभा में इस बयान के जरिए योगी ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। योगी ने विधानसभा में इस बयान से अपने पुराने स्टैंड यानी लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं किया जाएगा, फिर एक बार मजबूत किया जाएगा। इतना ही नहीं, योगी विधानसभा में मुस्लिम और यादव को निशाने पर लेकर अन्य जातियों को भी गोलबंद करते दिखे।